निकल कैसे गया है? डाल देना भाई, मजा आ जाएगा, पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। ए भाई 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 पानी तो रुको लाओ। हेलो गाइज, आज आप लोग के लिए फिर से लेके आ गया है एक नया सा वीडियो, जो कि यहाँ के रांची का बिग बाज़ार है, उसके पास है ये शॉप जो कि पिज़्ज़ा का है। तो ये पिज़्ज़ा यहाँ मिलता है बहुत ही बेहतरीन तरह का, नए नए वैरायटी तरीका का वो ये पिज़्ज़ा बनाते हैं यहाँ पे, और बहुत ही फेमस है यहाँ का। तो चलिए अब हम लोग भी देखते हैं कैसा ये बनाते हैं, किस तरह का वो सर्व करते हैं और कैसा टेस्ट होता है। चलिए अब इनके ऑनर से बात करते हैं। तो चलिए अब इनके ऑनर से हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग मिलते हैं। तो भैया आपका क्या नाम हो भैया? सौरभ कुमार गुप्ता। भैया का नाम सौरभ कुमार गुप्ता है, और ये दुकान कब से लगा रहे हैं भैया? एक साल हो गया है। और एक साल से मतलब यहीं लगा रहे हैं बिग बाज़ार के सामने। और क्या क्या वैरायटी रखते हैं भैया? सिर्फ पिज़्ज़ा ही है। सिर्फ पिज़्ज़ा, और मतलब कोई भी वैरायटी का चलेगा पिज़्ज़ा ना? तो ये मतलब फैंसी वगैन स्टाइल जो कि है, तो गाइस देसी नेचुरल स्टाइल का ये बनाते हैं। तो चलिए आप देखते हैं किस तरह का वो बनाते हैं। जहाँ लाइन से दुकान लगी रहती है, तो सबसे फेमस इन्हीं का है।
इसलिए भैया से पूछते हैं किस तरह का स्वाद है इनका जगह। बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा लगा इनका, बहुत ही अच्छा है। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ यहाँ इनके काउंटर पे। तो मतलब ये आपको कोई बताया है कि यहाँ पे आने या फिर अभी बाहर निकला देखा पिज्जा? अच्छा, मतलब अच्छा है यहाँ। हाँ बहुत। चलिए भैया, जैसे सुन सकते हैं आप लोग, ये बहुत ही अच्छा फेमस है यहाँ का, और मेरे ख्याल से बहुत से लोग हमारे सब्सक्राइबर खाए भी होंगे यहाँ, तो आप लोगों को तो पता ही होगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो और भी शेयर कीजिएगा, जिससे हमें हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और भी पब्लिक जुड़े हमसे। लेकिन जब हम लोग पिज़्ज़ा बन रहा है तो मेरे उससे क्या क्या इसमें डाल रहे हैं, मैं क्या क्या डाल रहा है इसमें? चटनी, फुल क्रीम है, ओ भाई पहली बार देख रहे हैं मतलब इसमें बनते हुए। और ऐसे तो पिज़्ज़ा हट ये सब में तो अंदर ही बनाता है, आप लोग भी गैस देख लीजिए लाइव। ये प्याज है ना, प्याज और शिमला मिर्च और टमाटर है। ये क्या है भैया? ये पनीर है, देख सकते हैं क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा रखे हैं पनीर का भी, और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। मेयोनीज है, लिक्विड चीज़ है ये। ऐड होता है और आप लोगों को सारी जानकारी देते रहते हैं। ये क्या चाहिए भैया? ये निकाल रहे हैं आप, कौन सा पिज्जा? पिज्जा मिर्च जो रेड चिली पाउडर है ना, अंग्रेजी खाना बोलते हैं। तो हम लोग अंदर चल गया है पिज्जा। आप कितने देर लगता है भैया बनने में? 5 मिनट में बन जाता है यहाँ, 5 मिनट में आपको बन के मिल जाएगा। और आप रेस्टोरेंट जाइएगा तो वहाँ 15 मिनट लेता है कहीं बनाने में गई, 5 मिनट तो आपका सर सवाल जवाब इतना पूछ देगा कि आप थक जाइएगा, ठीक है? और 10 से 15 मिनट लग जाएगा बनाने में उसका। चलिए अब बनता है तो फिर से मिलते हैं। तो गैस पिज्ज़ा हम लोग तैयार होकर निकल चुका है। देख सकते हैं गाइस, देखिए 4 भागों में काट दिया गया है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। फिर से इसमें चीज़ डाल रहे हैं क्या भैया? फिर से चीज़ चला गया गाइस और मेयोनीज़ फिर से जा रहा है, भर भर के यहाँ दे रहे हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखे हैं सभी चीज़ का, बहुत ही बेहतरीन। हमको तो वहाँ का उससे से तो ये वाला लगेगा, चलिए गए उसका टेस्ट करते हैं किस तरह का है। और ऊपर और भी चीज़ डला रहा है गैस, जैसे कि आप देखे तो शुरू में कि चीज़ डलाया था, ऊपर से और भी चीज़ डला रहा है इसमें, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ डाल रहे हैं भैया ये। चलिए बहुत ही बेहतरीन भैया, चलिए गए जब हम लोग मिलते हैं खाने टाइम आने के बाद। और ये सजवान तंदूरी है, देख सकते ये बन के तैयार हो चुका है। मैं साफे को बोलूँगा बाहर आ जाने, साफे बाहर आ जाए। चलिए तार छोटा पड़ रहा है हम लोगों का, और ब्रेस कैसे टेस्ट करके बताते हैं किस तरह का लग रहा है। तो वैसे एक बाइट लेते हैं छोटा सा, तो गैस बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी है गैस, वहाँ से बहुत ही अच्छा है साफे में बता रहा हूँ।
जब लोग खाते हैं रेस्टोरेंट में वहाँ तो बहुत ही बेहतरीन है और सारा टेस्ट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है। अगर इसको रेट देना हो तो कितना रेट देंगे? अगर रेट देना हो तो 10 out of 10। 10 out of 10 मतलब टेस्ट में कैसा है ये? टेस्ट में उससे कई गुना बेहतर है, बहुत ही अच्छा है स्वाद इसका। और पूरा जो इसका जो अंदर मसाला डाला गया है ना, जो भैया ने घर में बनाया है, उसका टेस्ट है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। पूरा मसाला के अंदर टेस्ट आ रहा है। जो कि चलिए इस बार फिर से एक बार ट्राई करते हैं। बहुत ही बेहतरीन। चलिए गाइस अब हम लोग मिलते हैं खाने के बाद। राजा भाई तो है नहीं मेरे साथ, आज साफे हैं। आज हम इसको टेस्ट करेंगे कैसा बना हुआ है। बहुत सी तारीफ सुने हैं कि क्या बोलते हैं स्ट्रीट फूड के, वो सब खा के इसको पिज़्ज़ा देखते हैं। वैसे सही बोला इसलिए कि नेचुरल हम लोग डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, वहाँ का पिज़्ज़ा तो बहुत खा चुके हैं। एक बार स्ट्रीट फूड भी आके ट्राई करना चाहिए, उसका टेस्ट देखना चाहिए कैसा क्या है। एक बार खा के इसको भी चेक करते हैं हम लोग। आगे बताओ कैसा लग रहा है। ओह माय गॉड, वाओ। इसका टेक्सचर अब मतलब खाने में ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग स्ट्रीट फूड का पिज़्ज़ा खा रहे हैं, सेम डोमिनोज, बल्कि डोमिनोज से अच्छा, पिज़्ज़ा हट से अच्छा इसका टेस्ट है। गाइस आप लोग सॉरी बोलना चाहते हैं गाइस, क्योंकि बहुत दिनों से हमारा वीडियो आ नहीं रहा था, तो कुछ रीज़न थी और थोड़ा सा ऑफिस में काम भी मेरा था तो कुछ टाइम हमको मिल नहीं रहा था, और घर का भी कुछ काम था, इसलिए आप लोगों के बीच में वीडियो नहीं ला पा रहे थे। तो अब से रेगुलर आपके बीच में वीडियो हम लेते आएंगे और लाते रहेंगे गाइस। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, ये आपसे आई होप आप लोग कर देंगे। और इस बार का लाइक हम रखते हैं गाइस 200, तो प्लीज़ गाइस आप लोग इस लाइक टास्क को कंप्लीट जरूर कर दीजिएगा गाइस। चलिए आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।